श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेता मंत्री और अधिकारी पड़ गए कल्कि सब पर भारी। समस्या आज हर इंसान के जीवन में कुछ इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि इंसान चिंताएं करते करते थक चुका है, लेकिन उस समस्या का समाधान उसे नहीं जब मिल पाता तब वो जाता है भगवान की शरण में कि किसी भी तरह से उसे उस समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन ये यूनिवर्स भी हर चीज़ के लिए एक समय डिसाइड करके रखती है और सही समय पर ही वो काम होता है। समस्या बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि इंसान की बुद्धि के अकॉर्डिंग और इंसान की सोच के अकॉर्डिंग वो समस्या को बड़ी बना लेता है। आज का समय क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किस प्रकार हुआ, इतने सारे प्रश्न पूछने के बजाय यदि इंसान उसका समाधान ढूंढने में अपना टाइम लगाए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्यों भगवान होते हैं इंसान से ज़्यादा पावरफुल, क्यों मानव होते हुए भी भगवान हो जाते हैं महाशक्तियों के ऐसे मालिक जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की समाधान उनकी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही अपने आप मिल जाता है। क्यों नहीं होते हैं वो परेशान और क्यों वो इंसानों पर पड़ जाते हैं भारी, चाहे वो असुर गण हो चाहे एक नॉर्मल इंसान। लेकिन इन सब से कहीं अलग डिवाइन विजडम जो होता है भगवान में, वही उन्हें बनाता है एक ऐसे स्पेशल पावर का मालिक जिसके आगे पूरी दुनिया हो जाती है नतमस्तक। कहीं पर भी जब आग लगती है तो उसकी समस्या ढूंढने के लिए लोग कोशिश करते हैं या ये पूछते हैं उस समय खड़े होकर कि कैसे लगी आग, किस प्रकार लगी, कहाँ से लगी, क्यों लगी, नहीं आग बुझाने की पहले कोशिश करते हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ी आग लगी हुई है और इंसान अपने आप को बेबस पा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन लाख ढूंढने पर भी उसे नहीं मिल पा रहा है, वो है उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। कोई उस समय जिस समय आग लगी थी लोगों ने सोचा, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने भी यही सोचा, धामी ने भी यही सोचा कि जल्द से जल्द कैसे इस आग पर काबू पाया जाए ताकि लोगों को तकलीफ़ों से राहत दिलाई जा सके। ये जो समस्या है, समस्या स्वरूप इंसानों के बीच मानव अवतार भगवान कल्कि समाधान स्वरूप में आए हैं और इसलिए उनकी पहचान एक अलग रूप में कलयुग में बन गई है, क्योंकि वो चुटकियों में हर समस्या का समाधान कर देते हैं। अब आप इसी बात पर कहेंगे कि अगर चुटकियों में हर समस्या का समाधान भगवान कल्कि के पास है तो फिर आग को वो बुझा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों वो इस तरह के अन्याय को वो देख रहे हैं और टॉलरेट कर रहे हैं जो अन्याय आज मासूमों पर किए जा रहे हैं, क्यों क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों पाप को वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर वो चुटकियों में ही समाधान निकाल दें तो आपके प्रश्न का ये मैं जवाब दे रही हूँ कि अगर चुटकियों में वो समाधान निकाल दें तो उनके युग परिवर्तन का मिशन, जिसमें उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और लोगों को उनकी गलतियाँ बतलानी हैं और किस प्रकार से पापियों का अंत होगा ये भी लोगों को बतलाना है कि पाप वास्तव में कितना खतरनाक होता है और कलयुगी मनुष्य वास्तव में कितने खतरनाक हैं, अगर वो चुटकियों में समाधान निकाल दें तो इंसान आज का जो ऑलरेडी आराम तलब बन चुका है, हार्डवर्क करना भूल चुका है, मशीन्स पर ज़्यादा डिपेंड हो चुका है, वो तो और ज़्यादा आराम करना सीख जाएगा और मेडिसिंस लेके रात को सोने की कोशिश करेगा ऑलरेडी जो कि वो कर रहा है। यानी नेचुरल वे में लाइफ कैसे जीते हैं
जो शुद्ध हवा होती है, शुद्ध खाना होता है और प्योर लाइफ हम कैसे जीते हैं, ये इंसान भूलकर प्रकृति से दूर होकर एक आर्टिफिशियल लाइफ जीना ऑलरेडी जो स्टार्ट कर दिया है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन भगवान को युग परिवर्तन करना है, ले जाना है कलयुग को खत्म करके सतयुग की ओर। सतयुग एक ऐसा युग जहाँ पर ऑलरेडी डिविनिटी की हर जगह भरमार यानी दिव्य शक्तियाँ हर इंसान के अंदर मौजूद। तो वो जो दिव्य शक्तियाँ हर इंसान के अंदर मौजूद रहती हैं तो वो इंसान ऑलरेडी उतने प्रिपेयर्ड करवाए जाते हैं भगवान के द्वारा कि वो सतयुग में प्रवेश कर सकें। इसलिए पापियों का खात्मा इतनी जल्दी नहीं होता, जिस प्रकार की बहुत जल्दी पाप जो है बढ़ता चला जाता है। आपने देखा है कि जब आग ऊपर की ओर बढ़ती है, आग लगती है कहीं, तो वो बुझती बहुत बाद में है लेकिन फैलती बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार पाप भी जो है वो आग की तरह आज फैलता चला जा रहा है दुनिया के कोने कोने में। आज कोई भी देश अपने आप को पाप मुक्त नहीं कह सकता, लेकिन आज जिन्होंने भी इस पाप को करने की कोशिश की और मासूम लोगों पर अत्याचार किया, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या मंत्रीगण हो या नेता हो या कोई उनके अंडर में काम करने वाला अधिकारी हो, लेकिन हर किसी पर जब भगवान की नज़र पड़ रही है तब अब पापियों का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भगवान कल्कि के पास जो शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों के द्वारा, उन्हें शक्तियां भी आसानी से नहीं मिली हैं, तो वो भला दूसरों को हर चीज़ कैसे आसानी से दे दें। उन्हें भी तपस्या करनी पड़ी भगवान शिव की, परशुराम ने उन्हें भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, उन्हें तैयार किया, तब जाकर उन्हें भी इस फील्ड में उतारा यानी कलयुग की धरातल पर काम करने के लिए। तो जब वो भी 24/7 ऑन है, अपनी एनर्जी को फुल फॉर्म में रखे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और बिना पैनिक हुए हर समस्या का समाधान खुद अपने बलबूते पर ढूंढ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके भक्तगण या वो आत्माएं जो दिव्य आत्माएं बनेंगी सतयुग में जाने के लिए, उनके अंदर भी वो शक्तियां आएं कि वो अपने आप में खुद ही समस्या स्वरूप न रहें बल्कि समाधान स्वरूप बन जाएं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मंत्री, नेता और अधिकारी अब सब पर कल्कि पड़ रहे हैं भारी, क्योंकि कल्कि अवतार का डिवाइन विजडम, उनके कार्य करने का तरीका हम इंसानों से कहीं अलग है। शोर शराबा नहीं मचाना, शो ऑफ नहीं करना, पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करना, कैमरे में फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कार्य नहीं करना, बल्कि एक परिवर्तन के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि मनुष्यता का वास्तव में धर्म क्या होता है, इंसान किस लिए इस धरा पर आता है, केवल अपनी झोली भरने के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन काल में से कुछ समय ऐसे उसे निकालने चाहिए जहां निस्वार्थ भावना से वो प्रकृति के लिए, वो दुनिया के लिए, वो समाज के लिए, वो पड़ोसियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करे कि उसकी भी आत्मा तृप्त हो और जो उससे मिले उनकी भी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो एक ऐसा मैसेज भगवान कल्कि के द्वारा उनके भक्तों तक अब पहुंचना स्टार्ट हो गया है कि समस्या समस्या नहीं, उसको समाधान, उसका समाधान जल्द से जल्द वही इंसान ढूंढ लेता है जो समस्या पर रोने के बजाय किस प्रकार हम जल्दी से उसका समाधान ढूंढ निकालें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि जीवन है, समस्याएं आएंगी ही, समस्या नहीं आएंगी ऐसा हो नहीं सकता। राम जी और कृष्ण जी के जब त्रेता युग में और द्वापर युग में एंट्री हुई, क्या समस्याएं नहीं आई थी? बहुत भयंकर समस्याएं, लेकिन उनसे भी लड़कर जब वो आगे निकले, जब उन्होंने भी युग परिवर्तन किया, जब उन्होंने भी असुरों को खत्म किया,
सिर्फ अपने बलबूते पर अपने डिवाइन विजडम के द्वारा किस प्रकार मैनिपुलेट किया, किस प्रकार तैयारी की उन्होंने उस युद्ध को लड़ने के लिए, किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, इन सब में समय कम नहीं लगा, लेकिन हो तो गया काम। उसी प्रकार भगवान कल्कि भी चाहते हैं कि इस युग में उनके भक्त वो दिव्य आत्माएं बने, समाधान स्वरूप जो हो अपने आप में, जिन्हें किसी पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निर्भर ना होना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई।